ऑलराइट गाइज, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू अवर गेम प्ले वीडियो। सो गाइज, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं हिटमैन 3, और हिटमैन 3 का आज हम लोग सेकंड चैप्टर खेलने वाले हैं, जिसका नाम है डार्टमूर। ओके, और इसके लिए हम लोग जाने वाले हैं इंग्लैंड में। तो आज के हमारे टारगेट का नाम है अलेक्सा कालेल, जो एक प्रोविडेंस की पार्टनर है, और एक केस फाइल भी ढूंढनी है हम लोगों को। तो पता नहीं इस केस फाइल में क्या है क्या नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अलेक्सा कालेल पिछले वाले एपिसोड में बच के निकल गई थी, लेकिन अब कहाँ बचेगी, हम तो सीधा तेरे घर में आ चुके हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो फटाफट से, डेथ इन द फैमिली, इस एपिसोड का नाम है डेथ इन द फैमिली, और हम लोग इसके लिए जाने वाले हैं डार्टमूर इंग्लैंड में। डार्टमूर एपिसोड का नाम नहीं है, आई एम सॉरी। और डार्टमूर यार कहाँ पे, मतलब सुना नहीं है मैंने आज तक इस जगह पर के बारे में सुना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ब्रीफिंग देख लेते हैं। डायना बता इसके बारे में, डायना नहीं सॉरी, लुकस ग्रे अपने साथ है ना, लुकस ग्रे बताएगा। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता हो, लास्ट एपिसोड में हम लोग को ये पता चल गया था कि अलेक्सा कार्लाइल ने खुद की एक फेक डेथ स्टेज की थी। ओके, तो वो घर आ चुकी है, सब कुछ तो खो गया, उसका पैसा पावर जो भी था सब कुछ गया, लेकिन जिंदा है, जिंदा है अभी भी। So, the end of the line. You ready for this? Are you? End of the line. Bro, तेरे तुम लोगों को एक मिनट। I'm genuinely confused. लोगों को अभी भी नहीं पता है कि प्रोविडेंस का कंट्रोलर कॉन्स्टेंट है आर्थर एडवर्ड्स। Come on, ऐसे कैसे नहीं? End of the line क्यों बोलेंगे फिर? According to the funeral invitation, that is. ये देखो, मैंने बताया था ना तुम लोगों को कि इसने अपनी एक खुद की फेक डेथ स्टेज की है, और लोगों को अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है उसको फ्यूनरल बोलते हैं। फ्यूनरल के इनविटेशन भी भेज दिए हैं। भाई साहब, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails and sharp as a razor. Okay, so tino providence ke partners mein ye sabse zyada khatarnak thi. The three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of providence. Ooh, birthplace of providence, and it ends here. Yahan pe shuru hua aur yahi pe khatam hoga ab sab kuch. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture. Nice. So don't leave the estate without it. अरे don't worry, अलेक्सा कार्लाइल को मार भी देंगे और वो केस फाइल है वो भी ढूंढ के लाएंगे, तो टेंशन मत ले डायना, टेंशन मत ले। ये लुकस ग्रे वैसे भी अभी झाड़ियों में जाके सोने ही वाला है, कुछ काम तो करता है नहीं यार। हिटमैन 3 में मुझे इस बंदे के लिए इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट थी ना, हिटमैन 1 में एक ऐसा शेडी कैरेक्टर, सब कुछ खुद से करने वाला ऐसा था, और जब से हिटमैन 2 में हम लोगों ने मतलब हाथ मिला है, मतलब ज्वाइन किया है, एक अलायंस बनाई है, तब से सब काम हम ही किए जा रहे हैं। ये मतलब क्या करता है, हैकिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर लेता है वो, तो क्या वो ओलिविया हॉल भी कर पाएगी, और वो तो तुझसे और बेहतर है। चलो कोई बात नहीं, दोस्त है इसलिए छोड़ रहा हूँ यार मैं, चलो को जाने दो। तो फटाफट से स्टार्ट करते, अलेक्सा कार्लाइल को मारना है ना। ओके, देखो हम लोग कोई कुछ बुरा काम करने नहीं वाले, जिस चीज के लिए जो चीज बनाई गई है उन दोनों बस मिलवाने वाले हैं। इसने अपनी खुद की एक कब्र खोदी होगी, तो बस उसको उसी में हम लोग दफनाने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं करने वाले हम लोग। अरे भाई भाई भाई, पेंटिंग्स देख रहे हो तुम लोग, इतनी बूढ़ी हो चुकी है लेकिन कैसे सही पोज वगैरह में पेंटिंग्स बनाई है इसने, सही है। बट हिज पर्पस एट थॉर्नब्रिज इज येट अनक्लियर नाउ। The target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. Obviously, उसको पता तो है ही। अगर उसको ये पता नहीं रहता कि हम लोग उसको मारने के लिए आ रहे हैं, तो भाई साहब क्या प्रोविडेंस पार्टनर बनेगी रितु? क्या प्रोविडेंस की पार्टनर बनेगी? लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसको पता तो है। हाँ, नाइस, बाइक पे से एंट्री की है हम लोगों ने। नाइस। ये कहाँ चला गया यार? लुकस ग्रे कहाँ खो गया? कौन सी कंपनी की है बाय द वे ये? एल्बर्टा, पता नहीं यार क्या नाम है। चलो कोई बात नहीं। ये रहा अलेक्सा कार्लाइल का वो पैलेस। यहाँ से मैं जा सकता हूँ क्या?
वहाँ पे तो वो देखो ऑब्वियसली सिक्योरिटी है, तो वहाँ से नहीं जाएंगे हम लोग। यहाँ से जा सकता हूँ ना मैं? अरे यार नहीं जा सकता यहाँ से मैं, मतलब पानी में नहीं कूद सकता ना मैं। ओके ओके, नो वरीज नो वरीज। यहाँ पे एक टूटी हुई दीवार तो है। मिशन स्टोरी रिवीलिंग, अरे रुको यार, गेट पे ही मिशन स्टोरी रिवीलिंग, मतलब ये टट्टी वाली स्टोरी होगी कोई तो। रुको रुको, ये वाली स्टोरी नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पे अभी गार्ड्स देखते। ओके वो वहाँ पे गार्ड्स वगैरह तो है, वो भाई देख लेंगे ये लोग, ये लोग देख लेंगे मुझे। भागने दो भागने दो। That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself. नहीं यार, ये डिटेक्टिव वाला वर्क नहीं चाहिए, रहने रहने मेरे को नहीं चाहिए। और अगर और कोई मिशन स्टोरी नहीं मिली तो मैं F1 दबा के ये स्टोरी कंटिन्यू कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स तो होंगे, ये देखो सिक्योरिटी गार्ड्स है। तो फटाफट से सिक्का लाए ना घर से, लाया ना, लाए लाए लाए। ओके आजा आजा, यहाँ पे आजा। हाँ हाँ हाँ, कुछ तो वियर्ड सुनाई दिया। आजा तू अंदर तो आजा, झाड़ियों में तो आजा भाई। अरे 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 अरे, आ गया आ गया आ गया आ गया। आई होप ओके, उसको तो पता नहीं चला, दूसरे वाले गार्ड को पता नहीं चला कि उसका साथी मर चुका है, लिटरली उसके आंखों के सामने, मतलब आंखों के सामने नहीं लेकिन अटेंटिव होना चाहिए था। और इसको टॉप नॉट सिक्योरिटी बोल रहे हो तुम लोग? एलेक्सा कार्लाइल यार, नहीं मैं खुद जाके उसको बताऊंगा कि सिक्योरिटी इसको टॉप नॉच बोलती है तू, शर्म आती है तेरे को कुछ? ये टॉप नॉच सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी गार्ड के सामने ही उसके पार्टनर को मैंने मार दिया, और इसको तुम लोग टॉप नॉच सिक्योरिटी बोल रहे हो? वाह बेटे वाह, मौज कर दी भाई मौज कर दी। ओके तो एलेक्सा कार्लाइल तो वो वहीं पे ऊपर ही है, अंदर एक झूमर वगैरह भी है उसके नीचे, उसके मतलब झूमर को शूट करके उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग सब कुछ पहले ना देख लेंगे आसपास क्या है क्या नहीं है। ये देखो यहाँ पे कुछ तो चल रहा है। ओ भाई साहब यार, कार्स वगैरह देखो यार, सही नहीं? अरे मेरे को तो सही लगी। ओ भाई 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 भाई, इतने सारे लोगों को मुझ पर शक है क्यों? अरे मैंने भी तो सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहना है, एक दो लोगों को होना चाहिए, यहाँ पे तो तीन तीन लोगों को मुझ पर शक है, ये गलत बात है। हाँ गलत बात नहीं है, तुम लोगों को नहीं ओ रुको, वहाँ पे भी कोई तो अपॉर्चुनिटी है, देखते ना देखते मज़ा आएगा, वो भी तो देख लेंगे क्या सीन है वहाँ का। और ये देखो यही पे अंडरटेकर, अरे भाई वो अपने WWE वाला अंडरटेकर। So unless you want to take on the birds, I suggest you stay clear of him. Oh, no. अरे बताओ ना, बताओ बताओ। Oh no, my aim is horrible. मेरा aim बढ़िया ना। Ahead with her staged funeral tomorrow, and she wants to inspect the arrangements. How about it, 47? You feel up to giving her the grand tour of her final resting place? यार मैं हर बार जब भी कोई भी story reveal होती है ना, मैं मतलब ऐसे ही मुस्कराने लग जाता हूँ। डायना जब बात करती है यार, क्या सही बात करती है डायना, मतलब अभी अभी उसने क्या बोला कि मैडम कार्लाइल, एलेक्सा का मैडम क्या है, वो मेरी मैडम थोड़ी है। एलेक्सा कार्लाइल ने खुद का एक स्टेज फ्यूनरल प्लान किया है कल, और वो खुद उसे देखना चाहती है। तो 47 क्या तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि तुमको उसे ग्रैंड टूर देनी है उस कब्र की जहाँ पे वो रेस्ट करने वाली है? सही बात करती है यार डायना, पसंद है यार मुझे, मतलब सही सही बात करती है यार वो। ओके यहाँ पे गार्डन फोर्क, भाई साहब ये तो खाने का फोक जैसा ही फोक लग रहा है। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे एक शवल भी पड़ा है, शवल को रहने दो, शवल बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ईट वीट है, ईट वगैरह मार सकता हूँ क्या मैं? नहीं मार सकता क्या? ओके नो वरीज नो वरीज नो वरीज नो वरीज, मैं काम कर लेता हूँ फटाफट से कि अरे यार ये यहाँ पे बंदा है ना, मैं गन से ड्रॉप करने का सोच रहा था कि गन से ड्रॉप कर दूँ, चलो कोई बात नहीं। इस ये क्या क्या चीज़ है ये? आई होप किसी ने नहीं देखा, आई होप फटाफट से इसके बॉडी को लेते हैं अंदर लेके आते हैं।
नाइस 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 नाइस, यहीं पर ड्रॉप कर देंगे। ओके ये बंदा तो आ गया, अंडरटेकर आ गया, ये वो भी देख रहा है। यार मैं क्या करूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे गन निकालनी है बाहर, लेकिन जब तक ये बंदा यहाँ पे खड़ा है। ओके गया गया गया, निकालो निकालो अपनी गन निकालो। इसको शूट किया, इसको शूट किया, इसको भी शूट कर दिया। डिसगाइज योरसेल्फ एज अंडरटेकर। हाँ चलो कोई बात नहीं, कर देंगे यार कर देंगे। आजा 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 आजा, नीचे आजा नीचे आजा। देख अरे कुछ तो गिरा है भाई वहाँ पे, आजा देख ले। अरे यार यहाँ पे तो सिक्योरिटी गार्ड भी है ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम लोग उसको यहाँ पे लेके जाएंगे, थोड़ा और आगे लेके जाएंगे और वहीं पे शूट कर देंगे फिर उसको। आजा 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 जा भाई, देख देख सिक्का पड़ा होगा वहां पे, जाके देख जरा। अरे बढ़िया, इसके पीछे जाएंगे, सबड्यू करेंगे, मारेंगे नहीं। नहीं नहीं भाई, इनोसेंट लोगों को मारना हमारा काम नहीं है, हमारा क्या किसी का काम नहीं है। हम लोग बस इसकी बॉडी को थोड़ा सा, बेहोश हो गया ये, इसकी बॉडी को हम लोग थोड़ा हाइड कर देंगे। ये लो भाई साहब हो गया। अरे यार सिक्का कहाँ है यार, सिक्का दे। ओए हाय, कोई तो की मिली है, ये मिल गया, और कुछ? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे एक ईंट पड़ी हुई है, तो ये ईंट उठा लेते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे पता है तुम लोगों को? एक क्रोबार है यार, क्रोबार सबसे बढ़िया चीज़ रहती है, क्रोबार से मारने में भी अलग ही मज़ा मिलता है, अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसकी बॉडी को लेके चलते और यहाँ पे अंदर डाल देते। यप 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 यप, यहाँ पे अंदर ड्रॉप, बढ़िया। अभी देखो ना, अभी ये सीन के आसपास तो कोई है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बताओ कहाँ चलना है। इन्फॉर्म द स्टाफ मेंबर दैट यू आर रेडी फॉर एलेक्सा कालेल। हाँ हाँ बहन जी, जाइए बुलाइए एलेक्सा कालेल को। बताओ खुद के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है, जो फ्यूनरल है, उसकी तैयारी वो खुद कर रही है। सही बात है सही बात है। मिस्टर पार्सन्स इज रेडी टू सी मैडम कार्लाइल। ये मतलब सब कुछ दुनिया को फेक करने के लिए, फेक बोलते हैं ना हम लोग, अरे क्या फेक किया है उसने, गेम्स में वगैरह होता है, पूरी दुनिया को चकमा देने के लिए इन लोगों ने ये स्टेज फ्यूनरल प्लान किया है। वो देखो आ गई एलेक्सा कार्लाइल, आ जाओ आ जाओ, खुद ब खुद शेर की गुफा की तरह अंदर आ रही है। क्या बोल रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी। आजा आजा, नहीं नहीं रुको रुको, मेरी बात सुनो तुम। ओए होए होए होए, ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी गाइज, ये तुम लोग देख रहे हो, वायर को एक्सपोज कर देते, उसके बाद साइड में पडल ऑफ वाटर तो है ही। मैडम कार्लाइल इज ऑन हर वे। अरे ऑन हर वे क्या, मेरे को दिख रही है डायना, क्या बात करती है तू भी। मिस्टर पार्सन्स, आई डोंट लाइक टू बी केप्ट वेटिंग, आई ट्रस्ट वी कैन बी एफिशिएंट नाउ आई एम हियर। हाँ हाँ चल चल, वेरी एफिशिएंट मैडम कार्लाइल। चलो 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 चलो, चलो। पसंद नहीं है इसको। Awful idea. I want it removed before the ceremony tomorrow. हाँ कल तक तो तू हट जाएगी, तेरी पिक्चर की क्या बात कर रही है तू? I need a moment to consider what I want. ये देखो मेरा फ्यूनरल कैसा होना चाहिए, कौन से फ्लावर्स चाहिए, क्या चाहिए, फलाना निमकाना। अरे तू अंदर तो चल, तू तेरे को बताता हूँ मैं। तेरा जो ये सिक्योरिटी गार्ड है ना, इसको भी मैं बताऊंगा, रुक जा जरा। इसको है ना थोड़ा है ना खोपचे में लाके मारना पड़ेगा। नहीं ओए रुको रुको रुको, ये खुद ब खुद बुश की तरफ आ रहा है। अरे क्या पागल बंदा है यार, लो निकालो यार, निकालो कॉइन निकालो, ये यहाँ पे ऐसा डाल दो। जा 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 जा, मैडम कर ले वहाँ पे देख रही है तब तक। अंदर जाने दो उसको, मैं इसको शूट कर दूँ या फिर, अरे चलो ना फोक से मारते, फोक से भी मज़ा अलग ही आता है। Why is this happening? गया गार्ड तो वैसे ही चला गया। अभी अभी मैं निकालूंगा यहाँ से शवल। चलो भाई Well done, Mr. Parsons, I approve. मजा आया ना, कैसा लगा?
बढ़िया है। अरे भाई भाई भाई। So, to sum up, I expect you to remove my picture from the memorial. That was an absolutely horrendous idea. हाँ हाँ कोई बात नहीं, तेरी पिक्चर निकाल देंगे हम लोग, अरे यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। तो गाइस ये तो बड़बड़ करती रहेगी, बहुत बातें करती है, बहुत करती है। चुप कर जा यार, चुप कर जा, बहुत बातें कर रही है तू। इतनी बातें कौन करता है यार, कौन करता है इतनी बातें। चलो जिंदा ही दफना देते अभी तो इसको, डाल दे 47 पूरी की पूरी मिट्टी से भर दे अभी ये। ओ भाई भाई भाई, ग्लिच ग्लिच ग्लिच, मुझे नहीं पता अभी ये कैसा हो गया लेकिन हो गया। तो गाइज मैडम कार्लाइल को तो हम लोगों ने मार दिया है, उसका एलिमिनेट कर दिया है, जिंदा ही दफना दिया। देखो मैंने कुछ गलत किया नहीं है, ये जो कब्र थी वो उसकी उसी के लिए डिक की गई थी, मतलब खोदी गई थी। मैंने क्या किया है, वो गलत काम करने जा रही थी यार, खुद के ग्रेव में किसी और की डेड बॉडी डालने वाली थी। मैंने तो बस सही काम किया कि मैंने उसी की ग्रेव में उसी को ही दफना दिया, ठीक है। सो मैंने कुछ गलत किया नहीं है। गाइज आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई हो, फाइंड द केस फाइल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को मैडम कार्लाइल की डेथ कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड गुड बाय।